यहाँ पर देखिए संजय दत्त जी अपने घर से बाहर आके नीचे सभी मीडिया भाइयों से मिल रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए संजय दत्त जी का लाइव वीडियो, ये इनके घर के सामने का वीडियो है और ये अब अपने घर के अंदर जा रहे हैं, ये देखो। और ये है इनके गार्डन एरिया का नजारा, ये पूरा इनका गार्डन है जहाँ पे इनका घर है। और यही है उनके घर का मेन गेट, जिस रास्ते से वो अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों फिर से हम आ चुके हैं मुंबई के पाली हिल इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं संजू बाबा यानी कि संजय दत्त जी का घर, जहां पर मुंबई में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों जहां पर उनका घर है ना, कि माता जी के नाम पे उस रोड को बनवा दिया गया है, यानी कि नरगिस दत्त रोड कर दिया गया है। तो आखिर हमारे संजय दत्त जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है और उनकी क्या बायोग्राफी है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं संजय दत्त जी का घर मुंबई वाला। गाइस फाइनली अभी हम लोग संजय दत्त के घर के सामने आ चुके हैं और ये है उनका घर इम्पीरियल हाइट्स, जो कि मुंबई के पाली हिल में नरगिस दत्त रोड पे स्थित है। और ये है उनके घर का मेन गेट, इसी रास्ते से उनका बाहर आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये संजय दत्त के गेट के अंदर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। अभी कुछ ही देर में संजय दत्त जी बाहर आने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। अभी मैं लाइव वीडियो दिखाऊंगा और यहाँ पर पीछे गेट वाले गार्डन के पास वो आए हुए हैं, मैं आपको वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ उनकी। देखिए वहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी फैंस से अपने मिल रहे हैं। अभी ये ना मेन गेट के भी बाहर आएंगे तो इनका अच्छे से पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा। ये एरिया ना पूरा संजय दत्त जी का गार्डन एरिया है, यहाँ पर वो सुबह के टाइम वॉकिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। और देखिए सभी फैंस से अपने यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। ये इम्पीरियल हाइट्स के जस्ट पीछे वाले गेट का नज़ारा है और यही है इम्पीरियल हाइट्स। इसके सबसे टॉप फ्लोर पर संजय दत्त जी अपनी बेटी बेटे और अपनी पत्नी के साथ ना रहते हैं। अभी मैं आपको इनके घर के अंदर का भी वीडियो दिखाऊंगा कि इनका जो घर है वो अंदर से कैसा दिखता है। और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ बाहर का माहौल उनके घर का इस तरह से है। और यही है उनका घर इम्पीरियल हाइट्स। और दोस्तों आप लोग जो स्क्रीन पे बगल में एक वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर संजय दत्त जी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इनका खुद का पर्सनल जिम एरिया है और सबसे टॉप फ्लोर पर ही ये जिम एरिया मौजूद है। और ऊपर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है। और बगल में एक वीडियो और देख रहे होंगे, ये हैं इनकी पत्नी मान्यता दत्त, जो कि उसी जिम एरिया में यहाँ पर एक्सरसाइज करती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संजय दत्त जी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और घर की दीवार पर पीछे उनकी माता नरगिस दत्त जी और पिता सुनील दत्त जी की तस्वीर लगी हुई है। और आपको बता दें कि संजय दत्त के इस खूबसूरत घर में ना आपको रेड व्हाइट और क्रीम कलर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये घर का लिविंग रूम है, जहां पर लाइट सेट के सोफे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे दीवार पर गिटार यहां पर रखा हुआ है। और ये इनके घर का किचन रूम है, जहां पर इनकी पत्नी कुछ बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये संजय दत्त के घर का मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, अक्सर एक्टर यहाँ पर पूजा करते हुए ना दिखाई देते हैं। इनके घर का डाइनिंग एरिया है, जहां संजय दत्त जी की पूरी फैमिली एक साथ फूड एंजॉय करती हुई देखी जाती है। यहां पर एक बड़े टेबल के साथ मल्टी कलर कवर वाली चेयर्स लगी है, इसके अलावा एक खूबसूरत सी पीछे झूमर भी लगाई गई है और काफ़ी कमाल की पेंटिंग्स भी यहां पर ना लगी हुई है। एक्टर की वाइफ मान्यता ने घर की बालकनी को भी खूबसूरती के साथ सजाया है, जहाँ पर बुद्ध की मूर्ति रखी हुई नज़र आ रही है, आप लोग इनके पीछे देख सकते हैं। दोस्तों संजय दत्त जी ना शिव जी के और गणेश जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं, ये हमेशा यहाँ पर शिव जी के और गणेश जी की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूजा कर रहे हैं ना, इस बिल्डिंग के सबसे टेरिस का ये नज़ारा है, जो आप लोगों को वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक्टर के घर में ना एक एरिया जिम भी बना हुआ है, जहाँ को वो फिट रखने के लिए हमेशा वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं। और देख सकते हैं ये अपने घर का इंटीरियर कितना किफ़ायती तरीके से तैयार किया हुआ है। सबसे बड़ा हाथ ना मान्यता दत्त यानी इनकी पत्नी का है इसमें, इन्होंने अपने हर एक घर के कोने कोने का डिज़ाइन इनकी पत्नी के कहने पर तैयार करवाया है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने दीवारों पर पेंटिंग्स भी लगवा रखी है। और यही है इनके घर के अंदर का नज़ारा। दोस्तों 64 साल के अभिनेता के माता पिता ना सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी हैं, उन्होंने 1981 में रॉकी से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। यहाँ पर देखिए इम्पीरियल हाइट्स
गेट के जस्ट बगल में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि संजय दत्त जी को करियर में काफी गिरावट का सामना करना पड़ा था। 1986 में फिर से शुरुआत करके संजय दत्त जी ने कई सफलता हासिल की। तो संजय दत्त जी करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किए हैं और मुन्ना भाई MBBS से ना इनको अलग पहचान मिली थी। आइए अब आपको संजय दत्त जी का खुद यहाँ पर लाइव वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संजय दत्त जी अपने घर के नीचे आए हुए हैं और सभी मीडिया भाई इनकी फोटो, तस्वीर और वीडियो ले रहे हैं। और संजय दत्त जी यहाँ पर कुछ लोगों से गुलदस्ता भी लिए और देखिए अब यहाँ पर सभी लोगों से मिल के अपने घर के अंदर जा रहे हैं। ये है इनके घर का मेन एंट्री गेट, जहाँ से ये घर में जा रहे हैं, ये देखो वहाँ से है भाई। और ये है इनके घर के नीचे का कुछ नज़ारा, जहाँ पर मुंबई में पाली हिल में संजय दत्त जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर का पूरा वीडियो मैं आपको लाइव यहां पर दिखा रहा हूं अंदर से बाहर तक, ताकि आपको पता चल सके संजय दत्त जी कहां पर रहते हैं। ये है उनका पर्सनल गेट पीछे वाला, और यहीं पर उनका खुद का गार्डन एरिया है, ये सिर्फ उनका है। और यहां पर वो हमेशा वॉकिंग करते हुए, टहलते हुए नज़र आते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पीछे ग्रीनरी भी लगाई गई है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी लगाई गई है। पूरा एरिया ना खुद संजय दत्त जी का है। दोस्तों संजय दत्त जी के इस घर का टोटल प्राइस है ना करीब 90 करोड़ रुपए। संजय दत्त जी का पूरा नाम है संजय बलराज दत्त। जी हाँ, इनके पिता का नाम है स्वर्गीय सुनील दत्त, जो कि एक अभिनेता थे, और इनकी माता का नाम है स्वर्गीय नरगिस दत्त, जो कि एक अभिनेत्री थी। और इनकी दो बहनें भी हैं, प्रिया दत्त जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, और इनकी एक बहन है नम्रता दत्त जो कि छोटी बहन है। दोनों इनसे छोटी बहनें हैं। इनके इस घर का पता है ना, 58 श्रीमती नरगिस दत्त रोड, पाली हिल, बांद्रा, इंपीरियल हाइट्स, मुंबई। दोस्तों संजय दत्त जी की पहली शादी हुई थी रिचा शर्मा से, जो कि एक अभिनेत्री थी, और उनसे शादी हुई थी 1987 में, और उनका तलाक हो गया 1996 में। और सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये खिड़की वाला, इसी में अब संजय दत्त जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। दूसरी शादी इनकी हुई थी रिया पिल्लई से, जो कि एक मॉडल थी। इनका विवाह हुआ था 1998 में और तलाक हुआ था 2005 में। इनकी तीसरी पत्नी है मान्यता दत्त, जो कि एक अभिनेत्री हैं। इनकी शादी हुई थी 2008 में और अभी तक इनकी शादी चल रही है। और इनके बेटी का नाम है इकरा दत्त और इनके बेटे का नाम है सहरण दत्त और त्रिशाला दत्त। यहाँ पर देखिए सभी लोग चिल्ला रहे हैं ताकि संजय दत्त जी नीचे आए, बाहर आए और इन लोगों से मिलें। सभी लोग संजू बाबा शोर करके उनको आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड ना इकट्ठा हुई है उनके घर के ठीक सामने। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, आपको भीड़ ही भीड़ यहाँ पर ना नज़र आएगी। दोस्तों अगर इनके कार कलेक्शन की बात करें ना, तो इनके पास बहुत ही लग्जरी कारें शामिल हैं। रेड फरारी, 599 GTV, पोर्श SUV, रोल्स रॉयस घोस्ट और ऑडी A8, ऑडी Q7, BMW 7 सीरीज, और इनके पास हॉर्ले डेविसन बाइक भी मौजूद है। अगर संजय दत्त जी के टोटल नेटवर्थ की बात करें ना, तो इनका टोटल नेटवर्थ है करीब 335 करोड़ रुपए, और ये काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। संजय दत्त जी इसी घर में अपने दोनों बच्चों और पत्नी मान्यता दत्त के साथ ना रहते हैं। सबसे ऊपर वाला फ्लैट देखिए कितना शानदार तरीके से इन्होंने बनवा के रखा हुआ है। फिलहाल पहले यहाँ पर ना एक यहाँ पर बंगलो हुआ करता था, जब इनके पिताजी और इनकी माताजी रहा करती थीं। फिर उस बंगलो को तोड़कर ना ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई, और उसके बाद ये रोड ना इनकी माताजी नरगिस दत्त जी के नाम पर रख दिया गया। अब इस रोड को लोग नरगिस दत्त जी के रोड के नाम से जानते हैं। यहीं पर दिलीप कुमार जी और सायरा बानो जी का और इमरान हाशमी का भी घर है। देखिए यहाँ पर लोग बाबा बाबा कह के नीचे से ही संजय दत्त जी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। दो बार संजय दत्त जी बाहर आए हुए थे, फिलहाल अब वो ऊपर चले गए हैं और देखते हैं आते हैं नीचे या नहीं आते हैं। फिलहाल मैंने आज की इस वीडियो में आपको संजय दत्त जी का पूरा घर दिखा दिया है, और इनके बायोग्राफी के बारे में, इनके नेटवर्थ के बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फिल्मी करियर के बारे में भी बता दिया है। सामने देख सकते हैं उनकी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, और अभी शाम हो चुका है, लाइट भी यहाँ पर जल गई है। यही है उनके नीचे का पूरा नज़ारा, उनके घर के ठीक नीचे का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। बगल में ही उनकी गाड़ी खड़ी है रोल्स रॉयस, और बगल में ही उनका जिम एरिया भी है, और यहाँ पर गार्ड लोग बैठते हैं, जहाँ का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर संजय दत्त जी गाइज मुंबई में रहते हैं, तो मैंने आपको इसमें पूरा वीडियो दिखा दिया है। गाइज उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।